ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टरों, नर्सों और नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य आपदा राहत कोष के जरिए करेगी सभी आवश्यक इंतजाम। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर विधानसभा की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित, 26 मार्च को होगी अगली बैठक। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत से विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। ट्वीट संदेश के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने के साथ ही संक्रमित लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जितनी भी राशि लगेगी उसे राज्य आपदा राहत कोष के जरिए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य सचिव को प्रदेश में और अधिक जांच केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बीमारी से बचाव के साथ ही दवाइयों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से तत्काल व्यवस्था करने को कहा है। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया हुआ है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार इस वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन के लिए प्रदेश में भी सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोरोना वायरस की जांच की प्रक्रिया को और अधिक विस्तार से कराने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने प्रदेश में परीक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में जांच किट मुहैया कराने को भी कहा है। श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परीक्षण के लिए केवल एक ही केंद्र है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए खाद्य विभाग ने प्रदेश में सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनाज वितरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को 31 मार्च तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस दौरान राशन दुकानों से अनाज वितरण में हितग्राहियों से बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य के सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों और खाद्य अधिकारियों को अनिवार्य रूप से निर्देशों का पालन करने को कहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश की सभी जेलों में कैद बंदियों को 31 मार्च तक उनके परिजनों से मिलने पर भी रोक लगा दी गई है। जेल मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जेल अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया है। परिपत्र के अनुसार बंदियों को बहुत जरूरी होने पर केवल उनके वकीलों से ही पूरी सावधानी के साथ मिलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिलासपुर कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए नवरात्रि पर्व पर रतनपुर महामाया मंदिर में जसगीत, भंडारा और भागवत कथा के आयोजन को स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर में हर दिन रात 10 बजे तक ही देवी दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर के सेवकों और श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर और मास्क भी रखे जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने शहर में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बनमेश्वरी मंदिर में भी रोप वे बंद कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह मेडिकल टीम तैनात की जाएगी। धमतरी में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आबकारी अमले को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिला आबकारी अधिकारी ने शराब दुकानों में भीड़ एकत्र नहीं होने देने को कहा है। वहीं गंगरेल बांध में होने वाली जल क्रीड़ाओं पर भी रोक लगा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही एहतियात के तौर पर 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की अगली बैठक 26 मार्च को होगी। होली अवकाश के बाद आज सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई।
आज प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया। प्रश्नकाल के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णय का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही 26 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए और उन्होंने गर्भगृह पहुंचकर कार्यसूची को फाड़कर आसंदी की ओर उछाल दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इस व्यवस्था के विरोध में विपक्षी सदस्य गर्भगृह में धरने पर बैठ गए। बाद में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सदस्यों द्वारा गर्भगृह में पहुंचकर कार्यसूची का पन्ना फाड़े जाने के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए इस घटना को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रभावित देशों या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हुए लोगों का विचरण उनके घर तक ही सीमित करने के लिए होम आइसोलेशन यानी मरीज के लिए पूरी तरह से अलग कमरे की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस कार्य में संबंधित जिले के कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी के अलावा संक्रमित व्यक्ति के परिजनों के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि प्रभावित व्यक्ति को 14 दिनों तक एक अलग कमरे में रखा जाना चाहिए। इस दौरान मरीज के लिए अलग टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही उसके नियमित चिकित्सा के लिए भी आवश्यक व्यवस्था उसी कमरे में की जानी चाहिए। इस दौरान मरीज के परिजनों को भी प्रभावित व्यक्ति से कम संपर्क रखना चाहिए। साथ ही स्वयं की सुरक्षा के लिए एहतियात के सभी उपाय करने चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने राज्य गीत के प्रचार प्रसार के लिए कुछ नए तौर तरीके सुझाए हैं। इसके तहत शासकीय कार्यक्रमों में अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इस गीत के शब्दों की छपाई वाली कोसा सिल्क साड़ियों या स्टॉल को भी प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को राज्य गीत घोषित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास तथा विपणन सहकारी संघ द्वारा कोसर सूती साड़ियों तथा शॉल स्टॉल और साफा में हथकरघा के माध्यम से राजगीत को उकेरा गया है। संघ के इस प्रयास से जहां राजगीत का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है, वहीं बुनाई कढ़ाई के माध्यम से राज्य के बुनकरों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और मध्यप्रदेश के ऊपर सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के समाचार मिले हैं। वहीं धमतरी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रदेश में अगले दो दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों के प्रमुख शैलेन्द्र शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को त्यागपत्र भेज दिया है। राजनांदगांव जिले के रगरा सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक और एक लिपिक को वित्तीय गड़बड़ी के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। सुकमा जिले के दोरनापाल में पिछले एक हफ्ते के दौरान 50 से अधिक सुअर और मुर्गियों की मौत होने की खबर है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। और जांजगीर चांपा जिले के राहौद में अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की दुकान से लाखों रुपए के जेवर चुरा लिए। पुलिस जांच में जुट गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टरों, नर्सों और नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य आपदा राहत कोष के जरिए करेगी सभी आवश्यक इंतजाम। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर विधानसभा की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित। 26 मार्च को होगी अगली बैठक। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।